वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक जेम कॉइन की जिसका नाम है क्रोनस यानी कि सीआरओ, जो कि क्रोनस चेन और crypto.com का नेटिव टोकन है। हालांकि दोस्तों 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो आपने वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने 5 टॉप एक्सचेंजेस के नेटिव टोकन को सजेस्ट किया था आपके लिए, उनमें से सीआरओ भी था। दोस्तों सीआरओ ऑलरेडी लास्ट ईयर में 10x से ऊपर का रिटर्न दे चुका है, और अभी अगर करंट की बात करें तो करंट लेवल से और 10x का प्रॉफिट आपको दे सकता है अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप दिसंबर तक भी होल्ड रखते हैं इस टोकन को तो आपको 2x से 3x बहुत आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ 2 महीने से। जिससे मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम इसका प्राइस मेरे ख्याल से 0.32 के आसपास का चल रहा था, और काफ़ी समय से इतनी बेयरिश मार्केट के अंदर भी प्राइस ने 0.37 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, मैंने काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है उस एरिया को। और कई बार कोशिश की इसने दोस्तों 0.5 के ऊपर क्लोजिंग करने की, हालांकि रिजेक्शन मिला प्राइस को, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 0.37 डॉलर के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, तो कहीं भी आपको छोटा सा भी करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली एंट्री बनती है। और जिस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बहुत ही धमाल करने वाला ये प्रोजेक्ट, सीरियसली बोल रहा हूँ। और तो क्या है वो न्यूज़, जल्दी से हम लोग स्क्रीन पर समझ लेते हैं क्यों मैं इतना बुलिश हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो डेफ़िनेटली फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में अच्छी अच्छी एंट्री एग्जिट के बारे में पता चलता रहेगा, कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना है। चार्ट भी मैं शेयर करता हूँ, टेक्निकल में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता हूँ, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल मेरी स्ट्रेंथ है, यानी कि TA और प्राइस एक्शन मैं ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, और मेरी एक्यूरेसी 90% से ऊपर की है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे या सोशल मीडिया के ऊपर तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, तो आप वहाँ पे मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं हर एक को वहाँ पे कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। अगर आप भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ अपने चार्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, मैं जो भी करेक्शन होता मैं सभी को बताता हूँ, तो आप भी वहाँ मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप मुझे सोशल मीडिया पर ज़रूर से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ है सीआरओ की। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं कॉइन टेलीग्राफ की न्यूज़ है, crypto.com becomes official sponsor of 2022 FIFA World Cup in Qatar। यानी कि दोस्तों कतर के अंदर जो फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसका ऑफिशियल जो है स्पॉन्सर बन गया है crypto.com। तो ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है दोस्तों, जबकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थ्रू ट्रेडिंग क्रिप्टोकरेंसी हैज़ बिन लार्जली इलीगल इन कतर सिंस 2018। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कतर के अंदर 2018 से क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है, और वहाँ पे crypto.com इंटरनेशनल क्राउड को अट्रैक्ट करेगा। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फीफा चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने कहा है द डील विल हेल्प ग्रो द गेम्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, सिटिंग crypto.com's पार्टनरशिप विद अदर इंटाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा दोस्तों crypto.com ने और भी कई पार्टनरशिप कर रखी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंक्ड अ डील टू रीनेम द लॉस एंजलस बेस्ड स्पोर्ट्स, लॉस एंजलस के एक स्पोर्ट्स से भी उसका टाई अप है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर टू द crypto.com अरेना फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, तो 20 ईयर्स के लिए ये करार किया गया है। crypto.com हैज ऑल्सो पार्टनर्ड विद द ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग इन अ 25 मिलियन डील। तो यहाँ पे 25 मिलियन की डील ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल लीग के साथ भी है इसकी, साइंड एज अ 100 मिलियन स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विथ फार्मूला वन, और 100 मिलियन की स्पॉन्सरशिप का एग्रीमेंट जो है इसने फार्मूला वन के साथ भी की हुई है।
एंड इंक्ड अ 10-year $175 million स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विद द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। और 10 साल का जो करार है इनका 175 मिलियन की स्पॉन्सरशिप का एग्रीमेंट जो है वो फाइटिंग चैंपियनशिप के साथ भी की हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ crypto.com की पार्टनरशिप है। और ये न्यूज़ दोस्तों बहुत ही धमाल करने वाला है, क्योंकि नवंबर के अंदर ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना पॉपुलर गेम है फुटबॉल। तो डेफिनेटली ये न्यूज़ जो है CRO कॉइन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने वाला है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है दोस्तों, डेफिनेटली इस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। अगर आप दोस्तों crypto.com एक्सचेंज पे साइन अप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत ही सेफ और सिक्योर और बहुत अच्छा एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, स्टेकिंग से लेके इनके वीज़ा के कार्ड भी हैं, उनके कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं स्टेकिंग के थ्रू। टेकर और मेकर फीस में भी काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, यानी बहुत कुछ है। अगर आप एक्सचेंज में साइन अप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके डेफिनेटली आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप crypto.com टोकन को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्सचेंजेस पे टोकन है, आप देख लीजिएगा और इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। दिसंबर तक आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं। एक बार हम लोग एंट्री भी देख लेते हैं कि एंट्री कहाँ पे बनती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चार्ट है CRO का, हालांकि FTX एक्सचेंज का चार्ट है डेली का। तो आप देख पा रहे हैं $1 का ऑलरेडी हाई बना चुका था लास्ट ईयर, और अभी प्राइस में जो गिरावट आई थी जैसे कि मैंने बताया था 0.32 तक, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है 0.32 का लेवल है, यहाँ तक लो बनाया था, फिर यहाँ से ऊपर आ गया। और ये जो देख रहे हैं लेवल, जो येलो कलर का एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये 0.37 का है। तो काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। और ये जो ऊपर लेवल दिख रहा है ये 0.50 का लेवल है, यानी कि आधे डॉलर का लेवल है। और यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन मिल रहा है, यानी कि कई बार यहाँ पे प्राइस गिर रहा है लेकिन इस लेवल को तोड़ नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत भी करेक्शन आपको मिलता है तो एंट्री तो बनती है। कोशिश कर रहा है दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है बार बार, तो ये अगर ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। और क्लोजिंग एक बार आधे डॉलर के ऊपर हो जाती है तो डेफिनेटली फिर इस प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। और डेली पे अगर RSI की बात करें तो RSI भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, यानी कि 63 के लेवल के ऊपर है इस समय, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बता रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस का जो है EMA मैंने दो लगाया हुआ है 20-50 का, यहाँ भी क्रॉस ओवर होने जा रहा है, यानी कि एक साइन इसको भी मान सकते हैं, तो ये भी प्राइस को बुलिश बता रहा है। और अगर एंट्री की बात करें तो Hour 4 के चार्ट पे आपको मैं एंट्री भी बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा एक्युमुलेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो मुझे गिरने का चांस लग नहीं रहा है, तो मैं आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके बता देता हूँ कि एंट्री अब कहाँ तक बनती है, आपकी कहाँ तक ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है नीचे 0.44 के लेवल को टच किया है, अगर प्राइस में थोड़ा सा और भी गिरावट आती है तो 0.4428 तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। तो अभी हालांकि बाइंग आ चुकी है उसके अंदर, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक ले रहा है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस मार्केट नीचे आती है तो मुझे नहीं लगता है कि 0.4428 के नीचे प्राइस जाएगा, जैसा कि फिबोनाची लेवल के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस की दोस्तों बात करें तो स्टॉप लॉस आप 0.435 इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे 50 के EMA भी है तो काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, तो इस लेवल को मुझे नहीं लगता है कि तोड़ेगा 0.435, इस जगह पे स्टॉप लॉस आपका होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लगाइएगा। और एंट्री आपकी डेफिनेटली 0.4428 से लेके 0.452 तक आप यहाँ पे बीच में एंट्री कहीं भी ले सकते हैं। थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा गिरने के चांस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर करेक्शन मिलता है तो आप इसमें एंट्री ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत बुलिश लग रहा है, बहुत स्ट्रांग है, और इस न्यूज़ की वजह से अब प्राइस में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल होता है अगर तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।